Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. तो भाई आज अपन खेलेंगे Cyberpunk अपने Asus के ऑफ F15 के ऊपर with FSR3 का मोड. और भाई इस गेम के अंदर जो परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रही है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन है. यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तुम यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस अपने को इस गेम के अंदर देखने को मिल रही है. तो पूरी वीडियो जरूर देखना भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो Asus के ऑफ F15 के ऊपर FSR3 का मोड देखने में. तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो भाई और पूरी वीडियो जरूर देखना. और आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ कि किस सेटिंग के ऊपर मैं गेम यहाँ पे चला रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं ग्राफिक सेटिंग चेक करवा देता हूँ एक बार. तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई मेरा जो गेम है ऑलमोस्ट वो चल रहा है भाई अपना मीडियम क्वालिटी के ऊपर. मीडियम एंड हाई का मिक्सचर यहाँ पर मैंने लगा रखा है भाई सेटिंग्स के अंदर. और जो अपना FSR है मैंने उसको रखा है भाई क्वालिटी मोड के ऊपर. यहाँ पर आप देख सकते हो जो गेल हिस्से से मैंने उसको रखा है भाई क्वालिटी मोड के ऊपर. एंड ऑफ कोर्स गाइस इस गेम के अंदर भी आपको थोड़ी सी गोस्टिंग देखने को मिलेगी. आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी बहुत गोस्टिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस गेम के अंदर. डेफिनेटली वो कोई छुपी हुई बात यहाँ पर है नहीं, लेकिन गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है. आप वहाँ पे सामने देख सकते हो परफॉर्मेंस वाइज वहाँ पर मुझे 70+ FPS देखने को मिल रहा है भाई. और Cyberpunk के अंदर आप ग्राफिक नोटिस कर सकते हो भाई, बहुत ही इनसेन ग्राफिक यहाँ पर आ रहे हैं. मैं आपको पूरा चेकआउट करवाऊंगा, डोंट वरी. बस पूरी वीडियो के अंदर बने रहो यहाँ पर, ठीक है. ग्राफिक एंड टेक्सचर को आप नोटिस करो भाई, टेक्सचर बहुत ही हाई क्वालिटी के ऊपर अपना गेम यहाँ पर चल रहा है भाई. मैंने कभी अपने Asus के ऊपर हाई क्वालिटी के ऊपर Cyberpunk नहीं खेला है भाई, मैं आपको बता दूँ इतना. जस्ट लुक एट द ग्राफिक्स एंड ऑल एवरीथिंग भाई, बहुत ही इंसेन है. अपनी कार कहाँ है भाई? अब कार भी मैं आपको यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ, उससे भी आपको दिखा दूंगा कि FPS कम होते हैं या नहीं होते हैं. आप नोटिस करना वहाँ पे सामने. और ये काफ़ी डिमांडिंग एरिया भाई Cyberpunk का, आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बिजी इलाका है. यहाँ पर पहले मुझे भाई 30 FPS मिलते थे Cyberpunk के अंदर. FSR2 के ऊपर जब मैं खेलता था इस गेम को तब मुझे इतने FPS मिलते थे. और अब यहाँ पर FPS आप नोटिस कर सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है यार. मैंने कभी नहीं सोचा था भाई कि Cyberpunk में इतनी अच्छी सेटिंग के ऊपर खेल पाऊंगा अपने Asus के ऑफ F15 के ऊपर. डेफिनेटली गाइस ये पॉसिबल हुआ है अपने FSR3 की मोड की वजह से. एंड फ्यूचर में अपन और भी इस मोड के ऊपर गेम टेस्ट करने वाले हैं. तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड आपको ऐसे गेमिंग रिव्यूज दिखते रहेंगे इस चैनल के ऊपर. एंड थैंक यू सो मच गाइज, आपने मुझे बहुत अच्छी से विशेस दी मेरे बर्थडे के ऊपर, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज. थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार और सपोर्ट किया भाई, उसके लिए थैंक यू सो मच. और आई डोंट नो मैं किधर जा रहा हूँ भाई, मैंने कार किधर घुसेड़ रखी है. और डेफिनेटली अगर मेरे पास 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड होता तो मैं इसको हाई सेटिंग के ऊपर कर देता एंड उसके बाद तो भाई बहुत ही मजा आता भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं. और मीडियम के ऊपर भी Cyberpunk बहुत सुंदर लगता है यार. इस गेम के ग्राफिक बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि तुम यहाँ पर देख ही सकते हो. एंड जैसे कि मैंने लास्ट वाले वीडियो के अंदर बोला था, जिन भी गेम्स के अंदर FSR3 का मोड लग रहा है उनके अंदर Afterburner नहीं काम कर रहा है भाई, गेम क्रैश मार जाता है. तो Cyberpunk इज नॉट डिफरेंट गाइस, Cyberpunk के अंदर भी Afterburner काम नहीं कर रहा है. तो हमें बेंचमार्क के लिए भाई विंडोज वाला लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो उसे. ओके मैं आ गया हूं भाई खतरनाक इलाके में. गेम बहुत ज्यादा स्मूथ है भाई, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है गेम, नो डाउट बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया गेम अपना Cyberpunk. और अब तुम मुझसे पूछने वाले हो कि भाई ये कौन सा FSR का मोड है, तो मैं तुम्हें बता दूं भाई कि ये वही मोड है जो मैंने अपने Spider-Man वाली वीडियो के अंदर डाला था. मेरे ट्यूटोरियल वाली वीडियो देख लेना भाई, जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि FSR3 मोड को कैसे इंस्टॉल करना है भाई. तो उस वीडियो के अंदर तुम्हें इस मोड का लिंक मिल जाएगा, तो तुम उस मोड को Cyberpunk के अंदर भी डाल सकते हो इजीली. एंड यहां पर तुम देख सकते हो भाई ये क्या घूम रहा है. और यहां पर जैसे कि तुम यहां पर गोस्टिंग नोटिस कर रहे हो, थोड़ी बहुत गोस्टिंग यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगी, बाद में ये हो जाएगा फिक्स, पर अभी तो फिलहाल है. तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर ये कौन है साल. ओ भाई गुंडा, अबे ये तो गुंडे लोग है भाई, भाग यहाँ से, भागो 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 यार. इतने खतरनाक लोग कहाँ से आ गए यहाँ पर, कौन गोली मार रहा है अबे तेरी तो बज गया साला. पुलिस वाला है भाई, चलो 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 चलो, मुझे पंगा नहीं लेना इन सबसे, चलो भागो यहाँ से. मेरे पास अभी हथियार भी नहीं है और मैं उनसे लड़ नहीं सकता यार. Cyberpunk के अंदर मैं पहली बार बाइक चलाने वाला था, लेकिन साले ने उससे पहले ही मुझे मार दिया भाई. यहाँ पर मज़ा आ रहा है भाई गेम खेलने में. Cyberpunk इतना स्मूथ चलेगा मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था भाई, वाइल्डेस्ट ड्रीम के अंदर भी नहीं सोचा था मैंने. और ये चल रहा है भाई, ये क्या है, छत के ऊपर आ गया मैं. ये पहली बार देख रहा हूँ मैं सारी जगह Cyberpunk के अंदर, वरना पहले तो भाई वैसे Cyberpunk थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी हो गया है पहले से, इतना बुरा नहीं है ये. FSR2 के ऊपर भी ठीक ठाक चल जाता है. FSR2 के ऊपर खेलोगे तो 40-45 FPS आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इतने देखने को नहीं मिलते जितने अभी देखने को मिल रहे हैं, विच इज इनसेन भाई. Cyberpunk के हिसाब से FPS इनसेन है भाई. साले गंदे गंदे गाने गा के लोगों का मूड खराब करता है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है भाई.
अपने काम की नहीं, भाग जाओ यहाँ से अपन तो। 80 FPS मिल जाते हैं भाई, मैक्सिमम मैंने 80 FPS देखे साइबर पंक के अंदर, और अगर आप नाइट के अंदर रहते हो तो FPS आपके बढ़ जाते हैं। जिस सेकंड के ऊपर अभी मैं अपना गेम चला रहा हूँ, आपको अगर आप उसी सेकंड के ऊपर गेम चलाएंगे नाइट के अंदर, तो आपके FPS डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे इस गेम के अंदर, इतना मैं आपको बता दूं गाइस। बिकॉज ये गेम काफ़ी ऑप्टिमाइज हो गया है अब, तो सीन है ये वाला इस गेम के अंदर थोड़ा बहुत। नाइट के अंदर डेफिनेटली FPS इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये वाला गेम नाइट के अंदर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है यार, बिकॉज इस गेम की जो लाइटिंग है भाई वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये गेम काफ़ी ब्यूटीफुल है, इसके ग्राफिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आई थिंक साइबरपंक हमने बहुत बार टेस्ट किया अपने एसोस कैफ के ऊपर, लेकिन ये सबसे बेस्ट वीडियो बनाया है भाई अभी तक का। मेरा साइबरपंक खेलने का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा आज ही मुझे देखने को मिल रहा है भाई। डेफिनेटली मैं कब से सोच रहा था कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊं, लेकिन मकर संक्रांति आ गई, फिर मेरा बर्थडे आ गया, तो मैंने सोचा नहीं यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद बना लेंगे, सुकून से बनाएंगे एकदम अच्छे से। सो आज 18 जनवरी है, आपको ये वाला वीडियो मिलेगा 19 जनवरी को 6:30 PM पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बहुत ही बिजी इलाके के अंदर घूम रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपको केओस पैदा करके भी दिखा दिया, मैंने आपको फाइटिंग करके भी दिखा दी यहाँ पर, ताकि आपको और भी अच्छे से आइडिया लग जाए। और ये वही सेम मोड है जो मैंने अपने स्पाइडरमैन के अंदर डाला था, जो मैंने अपने लास्ट ऑफ अस के अंदर डाला था, ये सेम वही मोड है। और सामने इस गली के अंदर भाई क्या रोमांस चल रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है भाई, भाई कोने साले बच गया, मारूंगा तो सही बाकी तेरे को मैं, चलो गया निपटा दिया भाई इसको मैंने, भाई ठोक दिया साले ने मुझे, डोंट वरी भाई हम भी ठोकेंगे। ये गाड़ी काफ़ी मस्त लग रही है यार, ये वाली गाड़ी लूँगा अब मैं। मैंने एक बात नोटिस की इस गेम के अंदर, आप हर कोई सी गाड़ी नहीं ले सकते, बहुत मिनिमम गाड़ी आपके लिए अनलॉक होती है, बाकी दस मतलब सभी ऑलमोस्ट नहीं आपको मिलती है। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, कांच फोड़ के देखते हैं भाई, इसको तो नहीं पड़ा ना गुस्सा भाई, करंट लग गया उसको, मैंने बम फेंका तो मरी गई भाई, वो तो बंदी मरी गई, पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई भाई इस गेम के अंदर, तो पुलिस भी आ गई भाई, केस लगने वाला, भाग लो, कौन है रे तू छतरी, हट तो सालो, इसकी बॉडी उठा ली मैंने, और भाई क्या खून निकला उसे यार, एक नंबर के। अब मैं बाइक चलाऊंगा, और मेरी बंदी यहाँ पर तुम देख सकते हो, अपने पास बंदी है, ओके चलो भाई भाग ले भाग ले भाग ले। एक और बार मैंने केओस पैदा कर दिया इस गेम के अंदर, और देख सकते हो गोस्टिंग कितनी भयंकर लेवल की हो रही है यहाँ पर, गोस्टिंग बहुत ही खतरनाक लेवल की हो रही है भाई। ओके चलो थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ठोका, बाइक मस्त चल रही यार। सो गाइस बस यार अच्छी वीडियो में इतना ही था, ये था साइबरपंक का रिव्यू अपने एसुस कॉफ F15 के ऊपर विद FSR 3 का मोड। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं गाइस, आपको वहां पर एक से एक वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग से वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।